नमस्कार प्यारे छात्र, मैं शांतिनाथ झा आज अष्टम वर्ग के छात्रों को मेरे द्वारा हिंदी में द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है भूत का सत्य हास्य कथा है, इसमें मजाक कर रहे हैं। भूत का सत्य एक हास्य कथा है जिसमें गोनू झा अपने वाक्चातुर्य से झूठी बात को भी सब बना देते हैं। गोनू झा के बारे में शायद बहुत व्यक्ति जानते होंगे, जो कुछ मैं भी उनके बारे में जान रहा हूँ। उनके पास ऐसा गुण था, ऐसी विशेषता थी कि झूठ भी बोलते थे तो लोग उनकी बातों को स्वीकार कर लेते थे। उसे हम कहते हैं वाक चातुर्य, वाणी में चतुराई, वाणी में कुशलता। गोनू झा एक लंगोटिया था। लंगोटिया शब्द का यहाँ होता है बाल मित्र, बचपन के दोस्त थे। वह उनके दुख सुख का साथी था और उनके सुख और दुख का साथी भी था। उससे कभी मनमुकाव भी नहीं हुआ था। गोनू झा से मनमुकाव यानी किसी प्रकार का अलगाव भी नहीं हुआ था। एक दिन उसने गोनू झा से कहा, मित्र सभी लोग तुम्हारा लोहा मानते हैं। गोनू झा से उनके दोस्त बोले, जो दोस्त तुम्हारी लोहा को सभी लोग मानते हैं, तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त? तुम्हारे पास क्या ऐसी शक्ति है जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, जो मूर्ख हैं उनको विद्वान समझ लेते हो, जो साधु हैं उनको जो है सो ठग समझ लेते हो, और जो बेईमान है उनको ईमानदार समझ लेते हो, सिद्ध भी कर देते हो, प्रूफ भी कर देते हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। उनके दोस्त उनसे बोल रहे हैं कि भाई हमारी बुद्धि में यह बात नहीं आ रही है, जो तुम कैसे जो है सो ऐसे सोच लेते हो। गोनू झा ने सहज भाव से कहा, एकदम पूरी समझदारी के साथ कहा, मैं किसी को एक नज़र में ही पहचान जाता हूँ। होता क्या है कि जो व्यक्ति कई तकरार होते हैं, तो गोनू झा ज्ञान में कुशल थे, ज्ञानी थे, तो व्यक्ति की पहचान उनके पास अधिक थी, तो एक ही नज़र में पहचान जाते थे। आदमी अच्छा है या बुरा, या आदमी जो है, यह इंसान जो है, यह अच्छा है कि बुरा है, तदनुसार उस पर मेरी धारणा बद्धमूल हो जाती है या होती है। उसी के अनुसार उस व्यक्ति पर मेरी धारणा जो है सो बद्धमूल यानी अटल हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। बद्धमूल शब्द का अर्थ दृढ़ होता है या अटल। उसी के स्वभावानुसार मैं निर्णय लेता हूँ और उन्हीं के स्वभाव के अनुसार मैं किसी से निर्णय लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर कोई परिस्थिति बस झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति परिस्थिति बस होता है, जब परिस्थिति किसी को लाचार कर देती है, तो वह व्यक्ति इंसान भी बुरा हो जाता है। झूठा अथवा बेईमान बन भी जाता है, जबकि उसका चरित्र वैसा नहीं होता, उसका चरित्र उसका नहीं होता, तो मैं उसे सुधरने का अवसर देता हूँ। गोनू झा कहते हैं कि यदि किसी के पास कोई आज़ादी आ गई और वह गलत भी हो गया, तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार का गलत चिंतन नहीं करता हूँ। वह रास्ते पर आ जाए, वह सुधर जाए, अच्छी बात है। ये ज्ञानवान लोग भले बुरे को भी अच्छी राह पर लाने का प्रयास करते हैं, और वही ज्ञान की विशेषता है। अच्छे लोगों को तो सारे लोग अच्छे कहते हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उनको यदि अच्छाई में परिवर्तित करके परिवर्तन करके, तो यही जो वाणी की और हमारे अंदर में अंतःकरण में जो ज्ञान भरा हुआ है उसी की तजुर्बा हो जाती है। उसी प्रकार कोई मक्का या छात्रों, मक्का शब्द का अर्थ धूल होता है या फल होता है, और यहाँ पे पाखंडी शब्द आया। पाखंडी शब्द का अर्थ होता है छड़ी, धोखा देना। तो मक्का या पाखंडी अगर महान बना रहता है, तो मैं उसे उद्घाटित करके ही दम लेता। यदि कोई व्यक्ति छल करता है और धूलता है और अपने को महान बनने की चेष्टा करता है,
कि हमसे अच्छा इस संसार में कोई नहीं है। वह गोंडा उसके बोल को खोल करके ही रखे कहे तभी वो गमनी के हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, मेरी बात में तुम्हारी क्या धारणा है? गोंडा ने अपने अनमने भाव से कहा, गोंडा अनमने भाव से कहे, तुम तो अजीब शब्द का अर्थ होता है प्रिय, अजीब शब्द का अर्थ होता है प्यारा, तुम मेरा प्यारा दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे बारे में धारणा क्या बना। अजीब बात है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के ऊपर उतनी जल्दी लंछना लगाने का प्रयास नहीं करते हैं, यदि उन्हें कोई कमी नहीं रहती है तो उनको संभालने का प्रयास करते हैं। उसने जोर देते हुए कहा, फिर भी गोंडा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, गोंडा थोड़ा चिंतित हो गए और बोले, तब मुझे शंका हो रही है, शंका शब्द का संदेह होता है, मुझे संदेह हो रहा है कि हमारी दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदल गई, कि हमारे तुम्हारे साथ जो एक दोस्ती थी कहीं वह दुश्मनी में परिवर्तित ना हो जाए। ना ना, इतने दिनों की यारी और तुमसे दुश्मनी, इतने दिनों से जो हमारे साथ तुम्हारी मित्रता है और मैं उसको दुश्मनी में नहीं बदलने दूंगा। तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। गोंडा ने सहजता से कहा, गोंडा सहज भाव से कहे, वह दोस्त अक्सर गोंडा से यही प्रश्न कर देता, उनके जो दोस्त थे गोंडा से प्रश्न कर देते और गोंडा याकाकर टाल देते, याकाकर के छोड़ देते। मैं अपने कामों में लगा हूँ, समय आने पर बता दूंगा, मैं अपने कार्यों में व्यस्त हूँ और समय जब आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तब तक तुम मुझे मिट्टी के 1000 सिक्के दे सकते हो, मिट्टी का 1000 सिक्का तुम दे सकते हो, अभी 500 ही चाहिए, अभी 500 चाहिए और शेष बाद में दे देना, और वो बच जाएगा शेष मने बच जाना, वह तुम्हें हमें बाद में देना। प्यारी छात्रों, आज मैं आप लोगों को इतना तकलीफ पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको सारी बातें बताऊंगा। धन्यवाद।